अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर से चर्चा में है। अभी 3 दिन पूर्व एक हॉस्टल में ड्रेस कोड का मामला थमा ही नहीं था कि अब एएमयू के वीमेंस कॉलेज के प्राचार्य का एक नोटिस से नया विवाद शुरू हो गया है। इस बार ये आदेश छात्रों के लिए नहीं बल्कि कॉलेज के टीचर्स के लिए है। वीमेंस कॉलेज की प्राचार्य नईमा खातून ने कॉलेज के टीचर्स के लिए एक नया नोटिस जारी किया है कि यदि वो अपने डिपार्टमेंट को छोड़कर किसी काम से बाहर जाती हैं, तो उनको मूवमेंट रजिस्टर पर साइन करके जाना होगा। मूवमेंट रजिस्टर से ये रिकॉर्ड होगा कि टीचर क्यों और कब डिपार्टमेंट से बाहर गई। प्राचार्य के इस नोटिस के बाद टीचर्स के अंदर खलबली मच गई है। दबी जुबान में वो इस नोटिस का विरोध भी कर रही हैं। वीमेंस कॉलेज में अपने तरह का ये पहला अनोखा आदेश है, जबकि एएमयू कैंपस में कहीं और इस तरह का आदेश नहीं है। इस नोटिस के पीछे प्रिंसिपल नईमा खातून का अपना तर्क है कि एएमयू वाइस चांसलर तारिक मंसूर लगातार कैंपस में राउंड पर रहते हैं। कई बार देखा गया है कि टीचर को जब किसी काम से बुलाया जाता है तो पता चलता है कि वो कॉलेज कैंपस में नहीं है और बिना बताए किसी काम से बाहर हैं। अगर वाइस चांसलर तारिक मंसूर ऐसे में राउंड पर आते हैं तो वो किसी टीचर के बारे में पूछते हैं और वो कैंपस में नहीं मिली तो क्या जवाब देंगी। नईमा खातून का कहना है कि ये नियम तो पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। ये जारी किया है, मैंने कोई नोटिस नहीं जारी किया है। हमारे यहाँ पहले से वो प्रैक्टिस में है, हमने कोई नया नोटिस नहीं जारी किया, बस ये कह दिया कि कर दिए, हमने कोई नया रजिस्टर नहीं निकाला। ये मूवमेंट रजिस्टर की बात जो आई है ये पहले से बरसों से चला रहा है, जब मैं प्रिंसिपल नहीं थी उससे पहले से चला रहा है। तो ये तो सिर्फ उन्हीं के कन्वीनियंस के लिए है, नए नए टीचर्स हैं उसमें, सीनियर टीचर्स तो आमतौर पे करते नहीं हैं लेकिन नए टीचर्स कर लेते हैं उसमें। शायद कोई बाहर गया किसी और काम से कॉलेज आवर्स में, कॉलेज में मौजूद नहीं है तो प्रिंसिपल के नॉलेज में होना चाहिए कि कहाँ गया है। मतलब जो टीचर जो ऑफिस आवर्स के टाइम में, कॉलेज के टाइम में कोई बाहर अगर किसी काम से इमरजेंसी से कहीं चला गया है तो प्रिंसिपल के नॉलेज में होना चाहिए, वो साइन करे। क्या पूरे एएमयू कैंपस में ये नियम लागू है? ये हमारे कॉलेज में पहले से था, ये मैंने नहीं जारी किया है, बहुत पहले से ये प्रैक्टिस में है। तो वही चीज़ है, उसी को कह ले कोई बिल्कुल टोटल नॉन इशू है, उसको पता नहीं क्यों ये इशू बनाया है। कुछ टीचर्स का कहना है कि आप क्या टॉयलेट जाने के लिए भी लिख कर जाना होगा। ये कौन टीचर कहते हैं मैं उनसे ज़रा से पूछिएगा। यहाँ तो टीचर्स अपने सब टीचर्स अपनी अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं। मेरा काम है मॉनिटरिंग कि वो ऑफिस आवर्स में एटलीस्ट मौजूद रहें। उनका ये भी कहना है कि प्राइमरी स्कूल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। किसने कहा ये? किसी ने नहीं कहा होगा, आई डोंट एग्री विथ इट। किसी ने नहीं कहा होगा प्राइमरी स्कूल करके जितनी फ्रीडम यहाँ के टीचर्स को है ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है। क्या आपको लगता है आपके स्कूल की टीचर्स क्लास की बजाय बाहर ज़्यादा रहती हैं? नहीं, ये तो देखिए बाहर, अगर देखिए हमारे यहाँ क्योंकि ये कैंपस से बाहर है, ये हमारा कॉलेज जो है कैंपस से बाहर है, और लोगों की बात जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में, उनको वहीं जाना हुआ वो चले गए, वहीं से चले गए वहीं आ गए, किसी ऑफिस के काम से चले गए, मौलाना आज़ाद में चले गए, इट इज़ ए 2 मिनट्स डिस्टेंस। हमारे यहाँ से कोई जाएगा तो काफ़ी, कोई मौलाना आज़ाद भी जाएगा तो उसको लंबा वक्त लग जाएगा। तो ये है कि कॉलेज आवर्स में अगर वो नहीं है तो उनके बारे में अगर मालूम है, वो लिख के जाते हैं उन्हीं के लिए अच्छा, वो नहीं लिखते हैं तो वो उनके ऊपर है, इससे मेरा कोई वो नहीं है। इशू उन्हीं के लिए, उन्हीं के फ़ायदे के लिए। मतलब ऐसा कोई नोटिस आपने नहीं दिया? ये पहले से प्रैक्टिस में है, एक रजिस्टर यहाँ है मूवमेंट रजिस्टर, टीचर्स उसमें हमेशा से जो जिनको बहुत कोई किसी और काम से जाना पड़ता है वैसे कोई कभी किसी टीचर को कभी ना रोका गया कि आप नहीं जा सकते। कोई अगर उसमें साइन नहीं कर रहा है तो अगर वो किसी वजह से अगर उसकी कोई पूछ आती है तो हम क्या बताएंगे टीचर कहाँ मौजूद है। बस इसीलिए है, वो पहले से है, एक टोटल नॉन इशू है। प्रदीप सर बोले मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तू फिर गया? हाँ प्रदीप जी, आपका फोन चाहिए। लेकिन मैं ये कहा, मैंने कहा कि भैया ये क्या है, बाई चांस बस राउंड लेते रहते हैं जी जी, पूछा पाछा तो ये उन्हीं के लिए बेटर है अगर वो अपने किसी पर्सनल से काम से अपने ही डिपार्टमेंट में गए। हमारे तो बहुत डिस्टेंस है ना, अगर कोई पूछ लेते हैं तो हमें नॉलेज में तो होगा, और कोई वजह नहीं है ना कभी या कोई। लेकिन
ये सेंसर इंश्योर करते हैं कि जो कॉलेज टाइम में टीचर्स को मौजूद होना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से गए हैं तो लिख के चले जाए तो वो, या जो ना लिखे तो वो उनको अगर पूछा जाएगा वो एक्सप्लेन खुद करेंगे। ये उनका एडवांटेज है कि हम बता देते हैं वो यहाँ नहीं है, वो मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी किसी काम से, नीचे एडवांटेज मेरा है लगा था पहले कभी नहीं। कोई नोटिस की भी बात नहीं है, नोटिस ये है कि मतलब रजिस्टर मूवमेंट हमेशा से है यहाँ पे कि जब टीचर जाते हैं जैसे हर साल नए टीचर उनको मालूम है वो जो टीचर्स अपॉइंट हो जाते हैं हमें, तो उनको भी तो नॉलेज में होना चाहिए कि एक मूवमेंट रजिस्टर भी इसमें साइन करना होता है अगर किसी आपने काम से आप जाते हैं, बस यही है। और कोई बात नहीं, रजिस्टर दिखवा देंगे जरा, सिर्फ ऊपर का फ्रंट लेना है जो जिस पे लिखा है। जिनको जिनको आदत नहीं है कॉलेज में रहने की तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ना, 90% टीचर इस बात से खुश है कि कुछ मॉनिटरिंग में तो राउंड भी लेती हूँ क्लास में तो हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन कुछ टीचर्स हैं ऐसी जो जिनको जो जो टाइम से क्लास में नहीं है उनको तो बुरा लगता है, हमारी ये जिम्मेदारी है वो हम करते हैं। हमारा काम क्या, हम प्रिंसिपल हैं, हमको ये सिर्फ इंश्योर करना है कि कॉलेज टाइम में टीचर्स हों, क्लास के टाइम में क्लास लें, ये हमारी ड्यूटी है। ये अगर ड्यूटी हमें इस ड्यूटी से हमें कोई क्यों क्या रोक सकता है, और किसी ये सब सीनियर टीचर्स हैं जो कुछ लोग देखिए हर इंस्टीट्यूशन में कुछ अच्छे टीचर्स होते हैं, कुछ थोड़ा सा हर जगह होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।